थैंक यू। आज वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक सच बता दूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की तीन कहानियां सुनाना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस तीन कहानियां। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने बाद तक वहां किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक मुझे देखकर उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें लड़का नहीं लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे, और उन्होंने झट से हां कर दी। पर बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी मां ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के प्रॉमिस के बाद वो मान गई। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें हेल्प करेगा, और ऊपर से मैं अपने पेरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करते जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से जरूरी क्लासेस करने की बाध्यता खत्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बॉटल लौटाने पर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भर के खाना खा सकूं। यह मुझे काफी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया होता था। चूंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज अच्छा बनाती है, यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता, और यह मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीजों का यूज कभी अपनी लाइफ में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और चूंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीजें नहीं होती। अगर मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांक कर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास्ट देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं।
इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। वोज और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल शुरू की। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल दो लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी एक साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटॉश रिलीज की। मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी ही बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? वेल, जब कंपनी ग्रो होने लगी तब हमने एक टैलेंटेड आदमी को हायर किया। मैंने सोचा कि वो मेरे साथ कंपनी रन करेगा। पहले एक साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेके हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो एट 30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसा हो जाने पर माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा सी भी कमी नहीं आई है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूं, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव फेज में आ पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की, और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज करती है। अब लोरी और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद पेशेंट को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव माई वर्क। आप रियली क्या पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हों। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हों। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हों। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है,
अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूं? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में सबसे ज्यादा मदद करता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूं तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नेकेड हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब एक साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैंक्रियाज होते क्या हैं। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है, और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूं। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते, वे अगले कुछ महीनों में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिए, ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहां मौजूद थी, उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है, जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूं। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा, और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचू भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है, और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूं, पर यह सच है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशन की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहां मेलॉन पार्क से ज्यादा दूर नहीं रहता था, ने बनाया था, और इसने इसे अपना पोएटिक टच देके बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स, सीजर्स और पोलराइड कैमरास की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और अंत में एक फाइनल इश्यू निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था, और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इश्यू के बैक कवर पे प्रातः काल की किसी सड़क का एक दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिसपे आप एडवेंचरस हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और इस पिक्चर के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है, और अब जब आप लोग यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच।